अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा लूना के बारे में। वैसे टेरा लूना को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि वो क्यों क्रैश हुई, उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टेरा लूना हमारे पास फिर से $1 तक पहुँच सकती है या नहीं पहुँच सकती। इसके हमारे पास कुछ रीज़न है, कुछ स्टेटिस्टिक है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं ताकि आप लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए और आप वहाँ पर जाके कोई कॉइन है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं वहाँ पे आप फिर से इन्वेस्टमेंट करें। अभी जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी उसके इन्वेस्टमेंट तो चली गई, बिकॉज मैंने भी इसको बाय किया था $47 पे, लेकिन उसके बाद उसकी प्राइसेस $120 पे पहुंच गई। मैंने उसको सेल नहीं किया, फिर उसको मैंने जब उसकी प्राइसेस $80 से नीचे आ गई मैंने उसको सेल किया, बिकॉज बहुत सारी रीज़न थे जो मैं बार बार अपनी अकेडमी में लोगों के साथ कह रहा था अपने स्टूडेंट को कि अभी हमारे पास लूना क्रैश होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लूना हमारे पास कुछ दिन पहले, सिर्फ कुछ हफ्ते पहले ये $90 से ऊपर थी और सिर्फ चंद दिनों में इसकी प्राइस नीचे की तरफ आ गई। अभी इसकी जो फाउंडर है डूकॉन, उसने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यूज दिया था। इंटरव्यूज़ में उसने कहा था कि मैं पसंद करता हूँ, मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं एक बड़ी कंपनीज को देखता हूँ कि वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसको नहीं पता था कि 8 दिनों के बाद हमारी अपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो जो हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटिस्टिक है, आपने उसको ज़रूर याद रखना है कोई इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे शिलिंग पेर से हो रही है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो इसकी प्राइसेस $1 तक पहुँच सकती है। हमारा क्वेश्चन सिंपल है, हमारा जवाब सिंपल है कि हमारे पास टेरा लूना की प्राइसेस $1 तक नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती, यहाँ पे आपने देखना है। देखो पिछले 24 घंटों में इससे तकरीबन 1000% से ज़्यादा उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। उसकी मेन रीज़न यह है कि इसकी मार्केट कैप हमारे पास यानी तकरीबन $800 मिलियन के करीब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गई है। लेकिन आपने यहाँ पर फूल नहीं होना है, आपने यहाँ पर एक और चीज़ को देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है तकरीबन 6.5 ट्रिलियन टोकन है। लेकिन आपको याद करना चाहिए कि जब इसकी प्राइस $100 पर थी तो उस वक्त इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो सिर्फ 300 मिलियन थी। 300 मिलियन तकरीबन इसकी $6.5 ट्रिलियन इसकी सप्लाई इंक्रीज हुआ है। एक नॉर्मल सा हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई ला है कि जब मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज होती है फिर उसके बाद उसकी प्राइसेस गिर जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। यानी अगर आपने इसकी प्राइसेस को कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सी बात है, आपने मार्केट कैप को सर्कुलेटिंग सप्लाई पे डिवाइड करना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अभी आपने $1 तक पहुंचाने के लिए ये 30 है आपने इसको ख़त्म करने हैं। अभी आपके पास क्या रूल है आपने इसको गौर से समझना है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉइन की प्राइस को फाइंड आउट करना कि इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती। अभी हमारे पास इसकी मार्केट कैप कितनी है, $1.3 बिलियन। अभी इसकी प्राइसिस क्या है, 21। अभी इसकी प्राइसेस को डबल करने के लिए यानी 42 तक पहुंचाने के लिए इसकी मार्केट कैप का डबल होना ज़रूरी है, यानी तकरीबन हमारे पास $2.8 बिलियन का मार्केट कैप होना चाहिए इसकी प्राइसेस को यह तक पहुंचाने के लिए। फिर इसकी प्राइसेस को यानी 42 को डबल करने के लिए 84 तक पहुंचाने के लिए फिर हमारे पास उसकी जो मार्केट कैप है वो एटलीस्ट $5 बिलियन होने चाहिए, और इसी तरह अगर हमारे पास $7 बिलियन हो तो हमारे पास ये पहला ज़ीरो ख़त्म हो सकता है। ये तो हमारे पास एक ज़ीरो ख़त्म हो गया। अगर इसी तरह आप इसको कैलकुलेट करें आगे लेके जाएं तो हमारे पास 0.1 तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट हमारे पास $600 बिलियन का मार्केट कैप होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपने $1 तक पहुँचना है टेरा लूना का तो एटलीस्ट हमारे पास $6.9 ट्रिलियन की मार्केट कैप होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मार्केट कैप क्यों नहीं ऊपर यहाँ तक पहुँच सकती है। आपने यहाँ पे पूरे क्रिप्टो करेंसी को देखना है, पूरी क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है वो $1.3 ट्रिलियन है। ये हमारे पास ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप है, लेकिन सिर्फ टेरा लूना की प्राइसेस को $1 तक पहुंचाने के लिए हमारे पास $6.9 ट्रिलियन का मार्केट कैप होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि बिटकॉइन का मार्केट कैप इतना नहीं है। तो इसका मार्केट कैप क्यों होगा और इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी, बिकॉज ऑलरेडी ये जो हमारे पास ट्रस्ट था, क्योंकि मैं खुद भी टेरा लूना का एक ये हमारा फेवरेट था, मैंने उसको ऐड किया था, मैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब इसका क्रैश हुआ ये जो क्लेम कर रहे थे वो नहीं हो गए और बहुत ज़्यादा इसके प्राइसेस को मैनिपुलेट किया, बिकॉज ये हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल था वो मैंने डिस्कस किया था कि इसकी मैनिपुलेशन किस तरह हुई थी। लेकिन ये नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक और मैं रीज़न बताता हूँ कि इसकी प्राइसेस $1 तक क्यों नहीं पहुँच सकती, आपने ये देखना है।
मैंने सिंपल यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपने एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आपने कैसी करनी है, सपोज करो कि ये हमारे पास टेरा लूना है, मैं यहाँ पे $5 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि मेरे पास $5 मिलियन नहीं है, लेकिन जो बड़े वेल है उनके लिए $5 मिलियन कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से $5 मिलियन की यहाँ पे लूना खरीदता हूँ, 0.002 इस मैंने खरीद लिया, ये हमारे पास इतनी ज़्यादा टोकन हो गए। अभी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, सपोज करें अगर लोग कहते हैं कि यहाँ $100 तक फिर से पहुँच जाएगी, तो ये हमारे पास हो गए $2.5 ट्रिलियन। अभी आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास टोटल क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट कैप है वो $1.3 ट्रिलियन है, लेकिन इसका जो अलग मेरा जो इन्वेस्टमेंट बन गया है वो $2.5 ट्रिलियन। अभी ये मुझे कौन देगा, इतना तो लूना के पास भी नहीं होगा, इतना तो बिटकॉइन के पास भी नहीं होगा, तो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी कैसे आएगी। एक सिंपल सी कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट मैं बताता हूँ। देखो सपोज करें अगर आप इसमें सिर्फ $100 इन्वेस्ट करते हैं और $100 से ये आपके बन जाते हैं टू, ये अगर ये इसकी प्राइस सिर्फ $2 तक भी पहुँचती है तो आपके $1 मिलियन बन सकते हैं। क्या इसकी प्राइस $2 तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंचती, बिकॉज इसके लिए हमें $13 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसकी मार्केट कैप होनी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसकी प्राइसेस को इवन ये पहले 2 जीरो है ये भी ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए ये इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसको बर्निंग ज़रूरी है, एटलीस्ट इसकी तकरीबन $6 ट्रिलियन की टोकन है, इसकी बर्निंग ज़रूरी है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसने सिर्फ इसका जो अपना स्टेबल कॉइन है USDT उसको सपोर्ट करने है। जब वो बिकॉज हमारे पास जो टेरा इकोसिस्टम है ये बेसिकली हमारे पास एक स्टेबल कॉइन सिस्टम है, लूना को ये पैर से रिकवर नहीं कर सकते। अभी उसने एक रिकवरी प्लान भी शेयर किया है, उसकी जो फाउंडर है डुकॉन, पहले इसके ट्विटर अकाउंट को हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसने क्लियरली कहा है कि आई हो स्पेंड द लास्ट फ्यू डेज ऑन द फोन कॉलिंग टेरा कम्युनिटी मेंबर बिल्डर कम्युनिटी मेंबर एम्प्लॉइज फ्रेंड फैमिली डेट हैव डिवेस्टेटेड बाई USDT डी पेगिंग। आई एम हार्ट ब्रोकन अबाउट द पेन माई इन्वेंशन हैज ब्रॉट इन ऑल ऑफ यू, बिकॉज $1 बिलियन लोगों के चले गए, $30 बिलियन के इन्वेस्टमेंट थे सारे जया हो गए हमारे पास डुकॉन की वजह से। अभी ये डुकॉन क्या कहते हैं, डुकॉन ने अपनी रिवाइवल प्लान वो किया, यानी एक रिकवरी प्लान अनाउंस किया। ये यही दावा करते हैं इस रिकवरी प्लान में कि हमारे पास वही नारा होगा जो हम नारा लगा रहे थे कि जो डिसेंट्रलाइज हमारे पास मनी है उसके लिए ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी नीड डिसेंट्रलाइज मनी, यानी जितने भी हमारे पास डीफाई इकोसिस्टम है वहाँ पे हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज मनी होनी चाहिए, और इसी वजह से तकरीबन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ गए थे हेज फंड इसके पास आ गए थे, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको ट्रस्ट कर रहे थे। अभी इससे पहले की अगर हम तारीख देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन थे स्पेशली जो अल्गोरिथमिक बेस थे वो फेल हुए थे, लेकिन हमारे पास ये कामयाब हो गया था बिकॉज इसकी जो मार्केट कैप थी वो $30 बिलियन से ऊपर हो गई थी और लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ था। अभी ये कहते हैं कि हमारा वही भी नारा है, लेकिन अभी इसका जो ब्लॉकचेन है वो मुकम्मल हमारे पास क्रैश कर गया है, डिवेस्टेट हो गए हैं। अभी हम इसको पैर से रिन्यू करेंगे, और उसके लिए उसने वैलिडेटर के लिए कुछ प्लान भी रखे हैं जो कि हमारे पास ऐसी एप्लीकेबल नहीं है अभी इसी टाइम में, अभी इसकी रिकवरी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हो सकते हैं कि कई सालों में ये पैसे मेहनत करे फिर से एक न्यू तरीके से ऊपर की तरफ आए, लेकिन इसकी प्राइसेस $1 तक पहुँचते हैं इम्पॉसिबल है, आपने उसको ज़रूर देखना है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेरा लूना का एक न्यूज़ भी आ रहा है, बिकॉज हमारे पास लूना फाउंडर वाइफ अंडर इमरजेंसी प्रोटेक्शन आफ्टर क्रिप्टो मार्केट डेट स्पैरल फ्लंज कॉइन टू $0। अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, अभी डिस्कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि तकरीबन अभी तक 8 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, बिकॉज अगर आप वहाँ पे $1 बिलियन अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट $0 पे आते होंगे, और ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, लोगों ने अपने घर को बेच कर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी और उसकी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई तो वो लोग सुसाइड करते हैं। तो इसी वजह से उसकी जो ये असल में साउथ कोरिया का रहने वाला है, तो उसकी वाइफ को भी साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी, बिकॉज लोग उसके घरों पे भी हमले कर रहे हैं, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई। तो आपने क्रिप्टो करेंसी में एक रूल को समझना है कि आपने सिर्फ वो पैसे लगाने हैं जो आप लॉस कर सकते हो, जो अगर वो लॉस भी हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर इफेक्ट नहीं आए। सपोज करिए आपकी जो अर्निंग है वो 30,000 आप मंथली कमाते हैं, तो आपकी 5,000 अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं अगर वो चली भी जाए
तो वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे इफेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ टाइम की जो सेविंग है वो यहाँ पे लेके आते हैं तो आप कभी भी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ये थी हमारे पास टेरा लूना के बारे में कुछ मालूम थी कि आपको ये गलत डिसीजन ना लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा अगर आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।